हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। आईसीएल क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। सो गाइस, आज से जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्टार्ट होने वाला है। वेट अ मिनट। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी प्रीवियस वीडियोस आपने सभी देख ही रखी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अभी कंप्लीट किया और रिसेंटली मैंने कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस भी डिस्कस किए आपके साथ और उनको बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा। नाउ आज से जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्टार्ट होने वाला है और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। बेसिक एक्सेल से लेके एडवांस एक्सेल के क्राइटेरिया तक हमें यहाँ पे सीखना है। तो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है यही, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जरिए आप बहुत अच्छे तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जरिए आप बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना सीखेंगे। यहाँ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमारे इस सेशन में हम क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 15 चैप्टर्स हैं टोटल जो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा। बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लेके और एडवांस लेवल तक के एक्सेल पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट हमारा ये जो है सेशन होने वाला है। सो बिल्कुल ध्यान से एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये क्लासेस ज्वाइन करिए और देखिए इसे अच्छे से। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल लाइव अपडेट के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लाइसेंस वर्जन में हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर बात आती है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल का क्या रोल होता है, एक्सेल में किस तरह के वर्क होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है यूज किया जाता है आपका कैलकुलेशन पर्पस के लिए, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका कैलकुलेशन पर्पस के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए और चार्ट्स वगैरह के लिए, फिल्टर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें हम सीखेंगे। इसी तरह से पावर पॉइंट की बात करें तो प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जो हम बेसिकली चीजें सीखेंगे वो कैलकुलेशन से रिलेटेड होगी, यानी कि चुटकी भर टाइम में ये इतनी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कर देगा, डेटा एनालाइज कर पाएंगे आप इसमें फिल्टर लगा पाएंगे, एडवांस फिल्टर, पिवट टेबल, फॉर्मूलाज, मतलब टोटली एक्सेल हमारा फॉर्मूलाज पे डिपेंड है। एक सेल में फॉर्मूला लगाना है हमें और सारा का सारा काम ये इजी हमारा कर देगा। तो सबसे पहले इसके बेसिक क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। स्क्रीन आपको दिख ही रही है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए सबसे पहले यहाँ चलते हैं। ये आपका एक्सेल की मैंने शीट ओपन कर रखी है। ये है आपका फाइल बटन या फाइल मेन्यू। ये हमारे रिबन टैब है। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ रिबन टैब आपको नए नजर आ रहे हैं, जैसे कि डेटा रिबन, डेटा हो गया, डेवलपर हो गया, फॉर्मूलाज हो गया। इसके बाद ये हमारा मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। ये हमारा स्क्रॉल बार है शीट को ऊपर करने के लिए, पेज नहीं, शीट को ऊपर नीचे करने के लिए। और यहां से आप दाएं से बाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट आप इसमें शीट को कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारा शीट वन है। इसके बाद ये प्लस लिख रहा है यानी कि यहां से आप शीट जो है वो बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं शीट वन पे आता हूं। इसके बाद यहाँ पे ये हमारे ए बी सी डी ये हमारे कॉलम्स रिप्रेजेंट करते हैं और जो 1 2 3 में है ये हमारी रॉ रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। मैं यहाँ पे दो चीजें और इनेबल कर लेता हूँ। व्यू रिबन टैब में फॉर्मूला बार को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। नाउ अब देखिए जैसे ही मैंने फॉर्मूला बार यहाँ पे, ये चीज हमारी नेम बॉक्स होती है, ये हमारा फॉर्मूला बार यानी कि फंक्शन बार जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो चलिए यहां से शीट को आप मैक्सिमम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज यहाँ पे 400% तक आपका मैक्सिमाइज होगा, राइट, एक्सेल की जो शीट है।
और मिनिमम 10%, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल दोनों ही 10%, और मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं थोड़ा नॉर्मल वे में 100%। आई होप इतना आपको समझ में आया। चलिए नाउ मैं थोड़ा सा शील्ड को बड़ा कर लेता हूं, साथ के साथ आप नोटबुक लेके जरूर बैठें क्योंकि हमारा सेशन काफी बड़ा और काफी लंबा होगा, लेकिन सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पर आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया यहां पर कि एक्सेल की शीट को कितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए 400% हम एक्सेल की शीट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मिनिमम 10%। एक नंबर का क्वेश्चन मोस्टली आपसे पूछा जाता है। नाउ इसके बाद एक्सेल में बात आती है कि कितनी रो एंड कितने कॉलम होते हैं, तो 2010 हो, 2013 हो, 2016 हो, तो यहां पर कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो दबाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे 1048576 आपके क्या है यहां पर रो अवेलेबल है, 1048576 रो आपकी अवेलेबल है कंट्रोल के साथ डाउन एरो। कंट्रोल के साथ अप एरो आप दबाएंगे तो यहां पर वापस अपने फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। नाउ रो तो हमें पता चल गई, लेकिन अब हमें कॉलम पता करने हैं, तो कंट्रोल के साथ राइट एरो जब आप यहां पर प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पर कॉलम में तो लिखा रहा है XFD, क्या लिखा रहा है यहां पर XFD। तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि कैसे पता लगेगा कि हमारे कॉलम्स कितने हैं, तो या तो आप फॉर्मूले के जरिए, तो फॉर्मूले तो अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी हमारा बेसिक क्राइटेरिया स्टार्ट हुआ है, राइट। तो हम यहां पे क्या करेंगे, अभी हमारा जो क्राइटेरिया स्टार्ट है तो इसके लिए आप यहां पर देखेंगे कि हमारे कितने कॉलम्स होते हैं, तो आपको जाना है फाइल बटन पे। फाइल बटन के बाद आपको यहां पे मिलेगा ऑप्शन, बहुत ध्यान से मैं एक एक चीज आपको यहां पे समझा दूंगा। इसके बाद आप आएंगे आप यहां पे फॉर्मूला, जैसे ही फॉर्मूले पे आएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा R1C1 रेफरेंस स्टाइल, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे, तो नोट कर लीजिए 16384 हमारे क्या होते हैं यहाँ पे कॉलम्स हैं। यानी कि अब मैं अगर डाउन एरो दबाता हूँ कंट्रोल के साथ तो 1048576 और 16384 इनको इंटू कर दीजिए तो इतने हमारे सेल्स अवेलेबल है। इतना आपको समझ में आ रहा है। चलिए मैं वापस कंट्रोल के साथ राइट एरो करता हूं, वापस आ जाता हूं। अब मुझे ये वापस कॉलम ABCD में चाहिए, तो फिर से फाइल बटन, इसके बाद ऑप्शन में जाऊंगा, ऑप्शन के बाद यहां पे नजर आ रहा है क्या, फॉर्मूला, और मैं वापस इसको बिल्कुल उसी की तरह यहां पर मैं कर देता हूं। गॉट इट। नाउ अब यहां पर चलते हैं, सबसे देखिए यहां पे होम रिबन टैब में हम पहले स्टार्टिंग करेंगे, यहां से फाइल को सेव करना सीखेंगे, फाइल को सेव एस करना सीखेंगे, राइट ओपन करना सीखेंगे, और धीरे से थोड़ा सा छोटा छोटा डेटा बनाकर मैं आपको ये सारे के सारे जो है फंक्शंस जो है इसके ये समझाता चलूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ड्रैग करना, क्या हम सीखने वाले हैं यहाँ पे ड्रैग करना। ड्रैग करने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आप ये चीज देख रहे हैं, छोटा सा आपको सेल के बराबर में ये पॉइंट एरो नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा और इसको शीट को बड़ा करता हूँ, दिस वन। चलिए ठीक है, मैं इसको देखिए अभी यहाँ पे क्या लिखा आपने, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लिखा आपने, 2 लिखा। अब यहाँ पर आपको आगे भी चाहिए क्राइटेरिया कि भाई मुझे 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, मैं कहाँ तक लिखूंगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रख के, अभी मेरा शायद ये कर्सर एक्टिवेट नहीं है, चलिए मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। फाइल बटन पे जाना है, इसके बाद आपको ऑप्शन पे जाना है, अगर आपका ड्रैग नहीं होता है आपके सिस्टम पे, अगर आप आईटी वगैरह का काम करते हो तो इसलिए वो चीजें हट जाती हैं, इसके लिए आना पड़ेगा आपको एडवांस, और एडवांस में यहाँ पर मिलेगा आपको इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको आप क्लिक करें और इसको ओके कर लें। तो जैसे आप इसको ओके करेंगे तो ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ देखिए अब मैंने यहाँ से 1 और 2 को सिलेक्ट किया, इसके बाद देखिए ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आते रहेंगे, यानी कि जितना इन दोनों के बीच में गैप होगा वो अगले उसमें ऐड होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे मैंने 8 लिखा, तो गैस कीजिए अगला क्या आएगा, एग्जैक्टली बिल्कुल। नाउ इसके बाद आप यहाँ पे इस तरह से भी ट्रैक कर सकते हैं, देखिए एक्सेल में आपको फैसिलिटी दे रखी है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपका टाइम बचाएंगी, क्योंकि एक्सेल का मतलब ही आपका टाइम सेव करना। आप यहाँ से इसको ट्रैक कर दीजिए, संडे मंडे आपके छुट्टियों में तैयार हो गए।
इसी तरह से यहाँ पे आपने पूरा चाहते हैं संडे मंडे पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे मंथ भी लिख सकते हैं। नाउ जनवरी को मैंने जनवरी लिखा है यहाँ पे, जस्ट आपको फेब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इस तरह से यहाँ पे इसमें ड्रैग कर दें तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे नंबर को भी आप ड्रैग कर लिया आपने, संडे मंडे भी ड्रैग हो गए, जनवरी फरवरी भी आप ड्रैग हो गई यहाँ पे। तो बहुत अच्छी बात है कि ये चीजें हमारे पास ऑलरेडी पहले से डिफाइन है एक्सेल में, तो ये हमारा काम इजी कर रही है। चलिए मैं कंट्रोल ए करता हूँ सारी शीट में से और मैं डिलीट बटन दबा देता हूँ, मैं सबको हटा देता हूँ यहाँ से। नाउ इसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा मैंने एम्प्लॉय कोड, मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और मैंने उनकी सेल्स डाल दी। बट इट अब मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय कोड में E001, तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे आगे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट यहाँ से क्लिक करूंगा और ये मेरे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ड्रैग हो जाएंगे। मैंने एम्प्लॉय नेम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लिख लिया मैंने आपको समझाने के लिए। नाउ इनकी सेल अब मैंने क्या करा, 25,600 मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सेल लिखा, अब मैंने यहाँ पे 26,520 लिख दिया, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है मुझे यहाँ पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने ये सेल लिखी और मैंने आपके ट्रैक कर लिया। तो देखिए कितनी जल्दी हमारी चीजें जो है ये हो रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब इस पर हम चलेंगे और फॉन्ट बॉक्स में चीजें सीखेंगे। सबसे पहले मैंने इस एरिया को क्या किया, सिलेक्ट किया, आप भी वो एरिया सिलेक्ट कीजिए जो भी आपको जरूरत होगी जिस पे आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए फॉन्ट बॉक्स में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सिखा रखा है, यहाँ पे जो चीज आपको जैसा भी स्टाइल चाहिए आप यहाँ पे ले लीजिए। राइट, मैंने यहाँ पे एरिया ले लिया, यहाँ से आप मिनिमम एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा कि मिनिमम जो है वो 8% अवेलेबल होता है और मैक्सिमम जो है वो 72 हमारा अवेलेबल होता है। राइट, तो मैंने इसको 8 किया, ठीक है, या इसको 14 करिए, जैसा आपकी नीड होती है उसी अकॉर्डिंग आप इसको करिए। अब सेम यहाँ से भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पर फॉन्ट साइज जो है वो यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। राइट, सेम इसी तरह से आपने बोला कि भाई मुझे A1 से लेके C1 इसका रेंज आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। A1 यानी कि ये रहा हमारा, पहले कॉलम इंडिकेट करेगा फिर रो इंडिकेट करता है, इसे आप क्या करेंगे बोल्ड थोड़ा और जुड़ा हो जाएगा, लेटर इटैलिक और अंडरलाइन करना चाहते हैं सिंगल डबल तो आप अंडरलाइन यहाँ पे कर सकते हैं। आगे चलिए, जैसे ही मैं इसमें आगे चलता हूँ इसके बाद देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, अगला जो ऑप्शन है वो है आपका बॉर्डर का। अब यहाँ पे देखिए बॉर्डर बहुत सारे अवेलेबल हैं, बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट, ये आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। ऑल बॉर्डर करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, भाई ये सारा का सारा बॉर्डर हो गया। बॉर्डर क्या है, अच्छे से उस डेटा पर फोकस हो पाता है कि हाँ हमने उसको क्या किया हुआ है बॉर्डर में, बस ये चीज है। इसको हटाना है तो नो बॉर्डर कर दीजिए। अब अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा मोर बॉर्डर में। मोर बॉर्डर में आने के बाद आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए कितने सारे बॉर्डर अवेलेबल हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं लाइन जो भी आपको लेनी है, मैं यहाँ पे लेता हूँ। इसके बाद कोई कलर चाहिए आपको बॉर्डर की लाइन में तो यहाँ पे आप कलर भी चूज कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये चीजें हैं, आउटलाइन तो बाहर बाहर बॉर्डर होगा, इनसाइड कर देंगे तो इनसाइड बॉर्डर होगा। राइट, तो और इस तरह से तो आई होप नहीं चाहिए होगा, तो मैं इस तरह इतना ही रखता हूँ और मैं इसको ओके कर दूँ। देखिए ये हमारा बॉर्डर हो गया। इसके बाद A1 से लेके आपने C1 तक सिलेक्ट किया और आपने बोला कि भाई मुझे थीम कलर देना है, तो आप यहाँ पे हल्का सा थीम कलर भी दे सकते हैं, आपका डेटा थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और आपने बोला A1 से लेके यहाँ पे मुझे इनके जो लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे वो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारा बहुत इजी फॉन्ट बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सिंपल है। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा अलाइनमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बॉक्स हमारा। इसके बाद नंबर करेंगे, स्टाइल करेंगे, सेल बॉक्स, देन उसके बाद जितना लंबा हमारा सेशन होगा मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करूंगा आपको सारी की सारी चीजें मैं कवर अप करा सकूं थोड़ी सी। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे आप ए और बी के बीच में जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो कॉलम है ये आप यहाँ से अपने कॉलम का जो है साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं। राइट, मैं आपको समझाने के लिए कंसेप्ट इसका जानबूझ के जो है वो थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर रहा हूँ।
मैं रॉ का भी यहाँ पर इस तरह से मैंने कुछ साइज इधर उधर से मैंने यहाँ पे बढ़ा दिए ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो टेबल है, ये टेबल तो बनी हुई है पर टेबल बिल्कुल सही फॉर्मेट में नहीं है। डेटा भी समझ में आ रहा है लेकिन किसी का कॉलम थोड़ा चौड़ा हो रहा है, किसी की रॉ बहुत ज्यादा चौड़ी हो रही है, ठीक है। तो इसे हमें समझना होगा कि किस तरह से एक्सेल की शीट में जब इस तरह से डेटा हमारा बिखरा हुआ होता है, किस तरह से उसे हम बिल्कुल सही क्रम में लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अलमार हमारा सामान कमरे में बिखरा रहता है, ठीक है, हम उसे अलमीरा में रख देते हैं तो बिल्कुल सही रखता है, राइट, सामान तो मेरा भी दिखता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको लेके चल रहा हूँ अभी सेल बॉक्स में। सेल बॉक्स में यहाँ पर इंसर्ट करना, डिलीट करना, चाहे कॉलम हो, चाहे रो हो, चाहे वह शीट हो, चाहे वह सेल हो, ठीक है, और फॉर्मेट। तो सबसे पहले कंट्रोल ए किया मैंने और इसके बाद मैं फॉर्मेट में जाता हूँ। फॉर्मेट में देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, रॉ हाइट। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रॉ की हाइट जो है वो तय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कहा 16 तो रॉ की हाइट ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे 16 हो गई, राइट। अब अगर आपने मैंने कंट्रोल जेड कर लिया है, मैं ऑटो फिट रॉ हाइट की बात करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जितना स्पेस वो अवेलेबल कर सकता है उतना वो करेगा। देखिए ऑटोमेटिकली इसने सेट कर दिया। नाउ सेम इसी तरह से आप सेकेंड ऑप्शन पर आएंगे, कॉलम विड्थ तो और ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो जैसे ही मैं ऑटो फिट पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जितना इसका स्पेस था उसको लिखने का इसने उसको किया। मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कॉलम की जो चौड़ाई देना चाहते हैं वो आप यहाँ से कॉलम विड्थ में जाके आप यहाँ से दे सकते हैं। मैंने बोला 15 तो देखिए 15 ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग हो जाएगा, गॉट इट। चलिए यहाँ से चीजें समझ में आ गई, ये सारे ऑप्शन। इसके बाद अनहाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन आता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले इस डेटा को बिल्कुल सही कर लेता हूँ, ऑटो फिट मैं रो हाइड कर लेता हूँ, कॉलम बिल्कुल ठीक है। अब आपने बोला कि मुझे बी कॉलम जो है वो हाइड करना है, या आप काफी सारे डेटा में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे बी भी करना है, सी भी करना है, डी भी करना है, तो कंट्रोल दबाइएगा, डी भी सिलेक्ट कीजिए, एफ भी सिलेक्ट कर लीजिए। आप इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ मल्टीपल कॉलम मल्टीपल रो भी। फॉर्मेट में चलते हैं, फॉर्मेट के बाद हाइड एंड अनहाइड में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड रो हाइड कॉलम, तो मुझे हाइड कॉलम करना है तो देखिए आपके कॉलम हाइड हो गए। सेम इसी तरह से मुझे अगर रो अगर हाइड करनी है तो आप यहाँ से रो को भी क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। मैं वापस सिलेक्ट करके वापस जाता हूँ हाइड एंड अनहाइड पे, तो हाइड रो, गॉट इट। अब मुझे अनहाइड करना है तो मैं सारा कंट्रोल ए करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा, वापस जाइए और उसके बाद अनहाइड रो पे क्लिक कर दीजिए तो आपकी रो आ जाएंगी, और अनहाइड कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो अनहाइड कॉलम्स आज के आ जाएंगे, गॉट इट। इसके बाद फॉर्मेट में अगला जो ऑप्शन है आपका, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, रीनेम शीट। एक एक ऑप्शन के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। रीनेम पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे शीट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर, तो मैं इसका दे देता हूँ भाई एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, राइट वन। चलिए इसके बाद फॉर्मेट में चलते हैं, अगला देखिए क्या लिखा है, मूव और कॉपी शीट। तो कॉपी पेस्ट में आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा चुका हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, कंट्रोल एस से कट कीजिए। टैब कलर, टैब कलर कैसा देना है आपको, रेड देना है, तो ये देखिए जब मैं शीट टू पर क्लिक करूंगा तो ये रेड इस तरह से शो होगा, गॉट इट। चलिए अगला ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रोटेक्ट शीट। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि प्रोटेक्ट शीट दो तरीके से हमारी प्रोटेक्शन लगती है, एक शीट के अंदर ही और एक शीट को जब हम ओपन करेंगे, यानी कि फाइल को जब आप ओपन करते हैं। तो ये अभी इंटरनल है, प्रोटेक्ट शीट पे जाइएगा, पासवर्ड देना है तो भी आपको दे दीजिए, अगर पासवर्ड नहीं देना तो भी ओके कर दीजिए। मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया, ओके कर दिया, मैंने अगेन पासवर्ड दिया, ओके कर दिया। नाउ अब ये मेरी पूरी वर्कबुक में से मेरी ये जो शीट है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग वाली, ये मेरी लॉक हो गई, और देखेंगे आप होम रिपोर्ट टाइप के जितने भी हमारे फीचर्स हैं वो सब लॉक हो गए। कुछ भी लिखूंगा तो देखिए क्या लिखाएगा, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज अनप्रोटेक्टेड शीट, ठीक है, टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट कीजिए उसको, गॉट इट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने क्राइटेरिया को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। देन अगले ऑप्शन पे चलते हैं, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अनप्रोटेक्ट कर लेता हूँ। तो पासवर्ड याद होना चाहिए आपको, अगर पासवर्ड भूल गए तो भी बहुत सारे वे हैं, आप एक्टिवेट कर सकते हैं उसको, ला सकते हैं पासवर्ड।
चलिए हमारा फॉर्मेट का पूरा ये सेल बॉक्स में से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इंसर्ट और डिलीट समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इससे पहले एक कॉलम चाहिए तो इंसर्ट में जाइए, ठीक है, और इंसर्ट कॉलम। तो देखिए इससे पहले आपका एक कॉलम आ जाएगा, आपने जहां भी क्लिक किया है तो ध्यान रखिएगा रॉ इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट रॉ, हमेशा ध्यान रखिएगा इस साइड आपका कॉलम जो है वो ऐड होगा और टॉप में आपकी रॉ ऐड होगी। अब आपको डिलीट करना है तो सेम जिस प्रकार से आपने एडिट किया है उसी प्रकार से आप यहाँ पे डिलीट करेंगे। मुझे ये यहाँ पे डिलीट चाहिए। ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे एक्सेल में डेटा को लिख लेते हैं लेकिन पता चलता है कोई चीज मिस हो गई है, तो बहुत ईजी वे में आप उसमें ऐड करिए रो को, कॉलम को ऐड करिए और बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें वर्क कर सकते हैं। चलिए नाउ इसके बाद हमारा सेल बॉक्स भी कंप्लीट हो गया, हमारा फॉन्ट बॉक्स भी। अब आते हैं अलाइनमेंट बॉक्स पे। अलाइनमेंट को समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसके थोड़े से कॉलम के विड्थ को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने रो को भी बढ़ा लिया, राइट। अब मैंने A1 से लेके और C1 तक के डेटा को क्या किया, सिलेक्ट किया। सबसे पहले चलते हैं इन छह चीजों को समझते हैं अलाइनमेंट में। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके चार तरह के अलाइनमेंट्स अवेलेबल होते हैं। पहला लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। अब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट राइट और सेंटर अवेलेबल है लेकिन उसके तीन ऊपर दे रखे हैं, यानी कि छह अलाइनमेंट आपको यूज करने हैं। अब इसके साथ आप तीनों यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट का टॉप, लेफ्ट का मिडल, लेफ्ट का बॉटम, ठीक है, इस तरह से सेंटर, सेंटर का सेंटर। तो इस तरह से आप यहाँ पर अलाइनमेंट क्या है वो यूज कर सकते हैं। मैंने इसका सेंटर कर दिया, राइट। इसके बाद अगला ऑप्शन आप देखेंगे, कर्सर लेकर जाऊंगा मैं तो आपको बता रहा है ओरिएंटेशन, बहुत ध्यान से, क्योंकि इसके मल्टीपल क्वेश्चंस जब मैं आप बनाऊंगा तो आपको ध्यान रखना है, वहीं से आपको चीजें सीखनी भी है। ओरिएंटेशन में जब आप जाएंगे यहाँ पर तो देखिए ओरिएंटेशन में आप एंटी क्लॉक वाइज अपनी जो हेडिंग है जिसको भी आप एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं। देखिए इस तरह से एम्प्लॉय को वर्ड इस तरह से आप दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया, राइट। अब आपने बोला मुझे पहले जैसा चाहिए तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में। जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे या तो आप जीरो टाइप कर दीजिए, ठीक है, या उसकी जो सुई है जो एंगल में घूमी है उसको बिल्कुल सही है। ये मैं यहाँ पे जीरो टाइप कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। नाउ ये मेरा क्लियर है। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे आएंगे तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ये इंडेंट होते हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। डिक्रीज घटाना तो जब तक हम बढ़ाएंगे तो घटेगा कहाँ से, तो देखिए आप अपनी हेडिंग को जिसके अकॉर्डिंग भी रखना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपनी हेडिंग को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, राइट। और अगर आपको यहाँ पे सेंटर चाहिए तो ये कर सकते हैं, गॉट इट। चलिए नाउ अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो बात करने जा रहे हैं भाई रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर का क्या मतलब होता है, तो इसको मैं नेक्स्ट शीट पर आपको समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने शीट को बड़ा किया, जहां से जहां तक आपको कोई हेडिंग देनी है, फॉर एग्जांपल भाई मैंने J1 तक यहाँ पे लिखा और मुझे यहाँ लिखना है भाई स्टूडेंट डेटा, राइट। अब ये स्टूडेंट डेटा मुझे J1 तक मुझे ये क्या करना है, हेडिंग बनानी है, तो सीधा आप जाएंगे मर्ज और सेंटर पे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। इसका साइज इंक्रीज करना है तो साइज इंक्रीज कर देंगे, इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, राइट, इसमें कलर चूज करने हैं, तो देखिए ये हमारी हेडिंग के काम आता है। और वापस हटाना है आपको तो इस तरह से आप हटा दीजिए, राइट। देखिए मैंने एकदम से क्या प्रेस कर दिया, तो इस तरह से भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट पहले आप बेसिक बेसिक चीजें जो है वो सीखें, गॉट इट। तो ये हमारा इस तरह से हेडिंग। अब बात करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ कंट्रोल जेड करके। अब रैप टेक्स्ट की यहाँ पर बात आती है, रैप टेक्स्ट किस लिए यूज होता है, तो ये एक ही सेल में नेम को नीचे या उस तरह से सेट करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा लक्ष्मीपति बालाजी। अब देखिए आपको लग रहा है कि ये नए सेल में चला गया, जबकि नहीं, मुझे दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इस तरह से खींच के इसको सेट कर लूं या मैं इसी को नीचे करना चाहता हूँ, तो आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे आपका आगे, अब इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, गॉट इट। तो यानी कि ये अलाइनमेंट बॉक्स भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए अब आता है हमारा अगला टैब,
जो कि हमारा क्या है, नंबर बॉक्स। नंबर बॉक्स क्या है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। इसमें हमारे फॉर्मेट्स एप्लीकेबल करने होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे लिखा, भाई आपके सामने क्या लिखा है, जनरल बजट आपने यहाँ पे लिखा, तो ये कौन सा फॉर्मेट है आपका, जनरल फॉर्मेट है। इसमें आपको नॉर्मली जिस तरह से आप नंबर आप लिखते हैं उस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आपने बोला कि भाई यहाँ से सी टू से लेके और यहाँ तक मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ नंबर फॉर्मेट, तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप नंबर फॉर्मेट यहाँ पे दे देंगे। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो फॉर्मेट जो है वो नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे नंबर फॉर्मेट क्या है एप्लीकेबल कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेट। इसके बाद आपने यहाँ पे दिया भाई डेट का फॉर्मेट है, चाहे वह डेट शॉर्ट हो चाहे वह डेट लॉन्ग फॉर्मेट में हो, जैसे कि आज की डेट क्या है, मैं आज की डेट लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 27/6/2020, तो देखिए इस फॉर्मेट में आ गए, मैं इसको आगे ड्रैग कर देता हूँ, व्हाट इट। तो जब मैं यहाँ पर जाऊँगा ऑलरेडी, तो मैं जैसे ही मैं इस पे यहाँ पे शॉर्ट डेट पे जाता हूँ, तो ऑलरेडी ये तो शॉर्ट डेट है ही, मैंने कॉपी किया इसको, मैंने यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, तो देखिए इस तरह से आने लगेगा। तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके उसमें जगह नहीं है, थोड़ा सा डबल क्लिक इस पे कीजिए, आपके डेट इसमें आ जाएगी। नाउ अब यहाँ पे आप इसे लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग डेट में देखिए इस तरह से ये हमारा जो फॉर्मेट है वो आ गया, व्हाट इट। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, करेंसी एंड अकाउंट फॉर्मेट। करेंसी एंड अकाउंट फॉर्मेट का मतलब क्या है कि भाई मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसमें दे देता हूँ करेंसी फॉर्मेट, और उसी के आगे मैंने सिलेक्ट किया और वहां पर दे दिया मैंने अकाउंटिंग फॉर्मेट। तो ये है मेरा करेंसी और ये है मेरा अकाउंट। तो जब आप आएंगे यहाँ पे टाइप करेंगे तो ज्यादा आपको डिफरेंस समझ में तो आएगा नहीं कि भाई सब कुछ एक जैसा ही था सर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं यहाँ पे भी सेम अप्लाई करता हूँ तो क्या डिफरेंस है, उसमें भी है इसमें। लेकिन ध्यान से देखिएगा, जो ये हमारा करेंसी वाला है इसमें रुपीज का यानी जो सिंबल है वो उसके साथ ही ऐड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है पास में, और अकाउंट के क्राइटेरिया में थोड़ा सा आपका गैप होता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, गॉट इट। चलिए इसके बाद ये जितना भी क्राइटेरिया है यहाँ पर ये सब मैं एडवांस में आपको समझाऊंगा, अभी इतना आपके लिए इस बॉक्स में से काफी है। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपने इस तरह से यहाँ पे नंबर लिख रखे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इस तरह से आप क्या है ये कोमा वगैरह में इसमें डिजिट में आप इसको ला सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको डेसिमल्स पॉइंट ज़्यादा बढ़ाने हैं घटाने हैं तो आप यहाँ से जो है ये फॉर्मेट्स को एप्लीकेबल कर सकते हैं, गॉट इट। चलिए तो यहाँ तक हमारा ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं हम स्टाइल बॉक्स में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं यहीं पर आ जाता हूँ, पूरी शीट को मैं अनफॉर्मेट कर देता हूँ। और मैं इसको ऑटो फिट रो एंड ऑटो फिट कॉलम कर देता हूँ। चलिए नाउ मेरे पास एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, सेल्स मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसी सेल्स को मैं कॉपी करता हूँ और मैं कई जगह पे क्या कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, राइट। चलिए मेरे पास कई सारी सेल्स अवेलेबल है। अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, कोई कंडीशन के हिसाब से उसको फॉर्मेट करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट में चलते हैं। सबसे पहले देखिए हाईलाइट सेल रूल्स में बोला ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेंट, कंटेंट, अ डेट, डुप्लीकेट वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और चुटकियों में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली चीज है। तो ग्रेटर देन आपने बोला भाई जिसकी सेल 32,000 रुपए से ज्यादा है वो यहाँ पर येलो के साथ क्या है वो हाईलाइट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 32,000 से ज्यादा यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ तो देखिए ये भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, गॉट इट। सेम इसी तरह से यहाँ पर मैंने सेल सिलेक्ट करी, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, आपने बोला बिटवीन, मतलब बिटवीन क्या कि भाई 25,000 से लेके और यहाँ पर मुझे 31,000 तक के बीच का डेटा चाहिए और वो येलो से
या ग्रीन से हाईलाइट हो जाए। लीजिए ये मेरा हाईलाइट हो गया, राइट। अगर इनके इस फीचर में ये चेंज होता है तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं इसको समझने के लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग में। देखिए यहाँ पे बिटवीन लेस देन आप समझ गए, इक्वल टू का मतलब एक के बराबर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं, ये तो आपके लिए होमवर्क है, इनको आप करेंगे फिर से देखेंगे। डुप्लीकेट वैल्यू, मान लीजिए डुप्लीकेट कोई वैल्यू है, चाहे वह नयम है चाहे कोई भी आ रहा है बार बार, तो आपको करना है। तो मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट लिया और वो रेड से हाईलाइट हो जाए, तो मैंने यहाँ पर लिखा भाई 25,600। तो देखिए ये दो वैल्यू जो है डुप्लीकेट है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ राहुल, इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ राहुल, तो देखिए ये मेरा हाईलाइट हो गया। कितनी अमेजिंग चीज़ है, मतलब आपकी गलतियाँ ही बचाएगा ही बचाएगा, राइट। चलिए इसके बाद चलते हैं, आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पर आगे क्लिक किया, देन इसके बाद ये सारा कंटेंट आप कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे ये सब आप करेंगे, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, सिर्फ टॉप 10 का समझा रहा हूँ। टॉप 10% निकालेंगे बॉटम से एवरेज बिलो। तो मैंने क्लिक किया, मुझे टॉप 3 चाहिए, तो जस्ट आप यहाँ पर आइए और टॉप 3 यहाँ पे क्लिक कीजिए। ग्रीन से करना है, येलो से करना है, आप जैसे भी करना है ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। अगर मैं आगे को यहाँ पे 100,000 लिख देता हूँ तो टॉप 1 ये हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे 250,000 कर देता हूँ तो 1, 2, 3 ये हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं, गॉट इट। नाउ इसके बाद अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको हटानी है, ठीक है, तो आप सिलेक्ट कीजिए जहाँ से जहाँ तक आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग हटानी है, इसमें जाइए और देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, न्यू रोल्स, क्लियर रोल्स, क्लियर रोल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लिक कर दीजिए तो यहाँ से फॉर्मेटिंग हट जाएगी, गॉट इट। इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, इसके बाद नीचे आते हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डेटा बार। डेटा बार में ध्यान दीजिएगा कि इन सब के नाम होते हैं पर्टिकुलर, थोड़ी सी बारीकी से सीखेंगे इसको। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ग्रेडियंट देखिए क्या लिखा है, और यहाँ पे लिखा है सॉलिड फिल। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सॉलिड, इसमें क्लिक कर लेंगे तो देखिए इस तरह से डेटा बार में आपको ये शो होगा। थोड़ा सा बड़ा होगा तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अगला करता हूँ इस तरह से। तो कलर स्केल, कलर स्केल में भाई जो टॉपेस्ट वैल्यू होंगी वो सबसे पहला कलर आएगा, उसके बाद मिडल, उसके बाद इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ग्रीन येल्लो रेड कलर स्केल। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे ग्रीन येल्लो रेड कलर स्केल का, कि भाई सबसे टॉपेस्ट वैल्यू जो होंगी वो हमारी ग्रीन होंगी, फिर एवरेज में येल्लो, और उसके बाद एवरेज में रेड कलर स्केल। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये इसी तरह से आ रही है। यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ, देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यू डाली, तो मैंने ग्रीन ग्रीन उसके बाद येल्लो फिर दिस वन, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से कंडीशन फॉर्मेटिंग में ये कर सकता है, ठीक है, कलर स्केल तक। और आइकन सेट वगैरह आपको लेने हैं तो आप भाई आराम से एक जगह पे दो चीज़ें भी आप एप्लीकेबल कर सकते हो। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, आइकन सेट लेने हैं आपको इस तरह से, तो सेम वही चीज़ है, आप यहाँ से ले सकते हैं, गॉट इट। चलिए मैं यहाँ पर गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे सारा का सारा हटाना है, तो क्लियर सिलेक्ट फ्रॉम एंटायर शीट मैंने हटा दिया, भाई मेरे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद ये न्यू रूल्स जो हैं, न्यू रूल्स में जब मैं आऊँगा तो आपको कंडीशन के साथ भी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा, एडवांस के लेवल पे ही इसको हम समझेंगे। देन मान लीजिए ये मेरी एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को मुझे चीज़ों को समझाना है, मुझे A1 से लेके और C11 तक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर्मेट एज टेबल, तो क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखिए लाइट भी अवेलेबल है, मीडियम भी अवेलेबल है, डार्क भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे इन सब के नाम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका नाम पढ़िए गोल्ड टेबल स्टाइल मीडियम 5, तो आप यहाँ से क्लिक करके ओके कीजिएगा तो हेडिंग पे देखिए ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे फिल्टर आ गया, फिल्टर बाद में समझाऊंगा मैं अभी आपको। और इस तरह से आप अपनी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, आपको जो भी टेबल यहाँ से लेनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिजाइन का एक अलग रिबन टैब आ जाता है, देखिए यहाँ पे टोटल रो, तो टोटल भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्लिक करेंगे। फर्स्ट कॉलम आपको इंडिकेट करना है, हाईलाइट करना है तो फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम हाईलाइट करना है तो लास्ट कॉलम, ठीक है। बैंडेड कॉलम का मतलब एक को छोड़ के इस तरह से आप अगर लेते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जो हमारा क्राइटेरिया है होम रिबन टैब में फॉर्मेट एज टेबल का, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। नाउ इसके बाद सेल स्टाइल चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है, ये हमारे डेटा को बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेट करता है। कैसे, मैंने बोला कि भाई मुझे E1 से लेके और E11 तक या E12 तक जहाँ तक भी आपको सेल स्टाइल एप्लीकेबल करना है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेल स्टाइल हैं, राइट। तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल 20% एसेंट 2, तो ये सारे के सारे हमारे स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं।
मुझे E1 पे जो एप्लीकेबल करना है टोटल करना है या हेडिंग 1 हेडिंग 2 इस तरह से करना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा भाई, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे लिंक करना है, इनपुट लेना नेचुरल वो, तो आप जो मर्जी चाहे आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हमारा सेल स्टाइल का डेटा क्राइटेरिया यहाँ तक समझ में आ गया हमें बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे चलते हैं, मैं शीट 3 पर आ जाता हूँ, थोड़ा सा शीट को मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ। नाउ हमारा फॉन्ट क्लियर हो गया, हमारा अलाइनमेंट क्लियर हो गया, हमारा नंबर क्लियर हो गया, स्टाइल्स क्लियर हो गया, सेल क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ इसके बाद हमारा यहाँ पर ये वाला एडिटिंग वाला बॉक्स बचता है, इस एडिटिंग वाले बॉक्स को भी कंप्लीट करते हैं। देन आगे आएंगे यहाँ पर, देखिए इंसर्ट में हमारा पाइवट टेबल और ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी समझते हैं धीरे धीरे। चलिए तो होम रिबन सीखने के बाद हम थोड़ा सा आएंगे इंसर्ट रिबन टैब पे, और इंसर्ट रिबन टैब में मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा सबसे पहले चार्ट किस तरह से हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, चार्ट किस तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे और चार्ट से हमारा क्या बेनिफिट होता है। तो हमारे कई तरह के चार्ट होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम चार तरह के चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो चार्ट है हमारा कॉलम चार्ट, पाई चार्ट और हमारा बार चार्ट हो गया, हमारा लाइन चार्ट हो गया। तो जिस तरह का डेटा होगा उसी तरह के डेटा पर आप यहाँ पे चार्ट अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पहली शीट से इस छोटे से डेटा को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, बट ये मुझे क्लियर चाहिए। तो होम पे जाके आप यहाँ से क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ भाई एम्प्लॉय कोड और सेल के बिहाफ पर चार्ट बनाना है, छोटा सा मैं आपको डेटा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इंसर्ट पर आप जाएंगे, यहाँ पर चार्ट की पूरी भरमार है, आप यहाँ पे चाहें तो ड्रॉप डाउन बॉक्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए हमारे पास ऑल चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, रिकमेंडेड तो हमेशा करेगा ही। मैं यहाँ पर जाता हूँ, देखिए कॉलम में मुझे ये कॉलम क्लस्टर चार्ट, ठीक है, इस तरह से चार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपको ये वाला चार्ट चाहिए, आप ओके कर लीजिए। जैसे ही आपको चार्ट एक्टिवेट, जब आप इसकी स्क्रीन पर चार्ट एक्टिवेट करेंगे तो स्पेशल डिजाइन एंड फॉर्मेट रिबन टैब जो है वो स्पेशली यहाँ पर आ जाएंगे। गॉट इट? तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर स्पेशली हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पेशली हमें इन रिबन टैब को भी सीखना है कि भाई इसका क्या यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय 1, 2, 3, 4 का ये मेरा चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ भाई, इसमें क्या क्राइटेरिया क्या नहीं। अब मुझे इस चार्ट को क्या करना है, मुझे थोड़ा सा और डेकोरेट करना है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है इस चार्ट में, क्योंकि इस चार्ट में अभी बहुत सारी खामियां हैं, मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेरा कितना क्राइटेरिया कितना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप चलिए डिजाइन में क्विक एक्सिस में, क्विक लेआउट में, तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये फीचर्स हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है भाई, हाँ भाई ये किसका है किसका नहीं है। ठीक है, आप इसमें यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर लीजिए, इसे और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया, राइट। अब आप इसको मूव करना चाहते हैं किसी और शीट पर, तो मैंने यहाँ पे एक और शीट ले ली, मूव करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए भाई कौन सी शीट पे मूव करना है, मैंने फोर्थ शीट पे क्लिक कर दिया और मैंने ये मूव कर दिया, गॉट इट। चलिए मैं इसको यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ। अब वापस आता हूँ, मैंने अब इस बार मैंने नाम के बिहाफ पे और मुझे सेल के बिहाफ पे चार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे दो चार्ट आपको बना के दिखा रहा हूँ, दो आप बनाएंगे। ठीक है, 3D ले लेते हैं, तो देखिए 3D आ गया हमारा पाई चार्ट, आप इस तरह से यहाँ पे ले सकते हैं, ये भी अच्छा है, बेटर है भाई, इतना परसेंट इसका इतना परसेंट इसका, मुझे ये मूव करना है। ठीक है, कहाँ पर, शीट 4 पे, राइट। तो जैसे ही मैं शीट 4 पे, ये भी हमारा आ गया। तो यहाँ पे चार्ट के बेनिफिट्स क्या हैं कि इनकेस अगर फ्यूचर में आपका डेटा यहाँ से चेंज होता है 34, 20, 27 इस तरह से, और मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, तो वहाँ पर जो चार्ट का जो क्राइटेरिया है वो हमारा यहाँ पर देखिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आगे आपको डैशबोर्ड का जो क्राइटेरिया आपको समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पर चार्ट जो है वो बना सकते हैं बहुत इजी वे में। चलिए वापस आते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो डेटा है और थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे फिल्टर समझाना है इस चीज में।
इसको हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट ट्रीटमेंट टैब में अभी आपने यहाँ पे चार्ट वाला बॉक्स सीखा, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से चार्ट समझ में आ गया। नाउ अब जो हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा होम रिबन टैब में ही, हमारा ये थोड़ा सा छूट गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट। शॉर्ट किस तरह से करते हैं, ए टू जेड में करते हैं और जेड टू ए में करते हैं, और उसके बाद है फिल्टर, ठीक है। एडवांस फिल्टर में आपको बाद में समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए शॉर्टिंग किस बिहाफ पे करनी है। आपने बोला मुझे ए बी सी डी वाइज मुझे नेम चाहिए, ठीक है, जिस तरह से अटेंडेंस वगैरह लगती है। तो शॉर्ट एंड्स में जाएंगे आप यहाँ पे ए टू जेड में कर देंगे, तो देखिए ए बी सी डी इस हिसाब से हमारा ये आ गया। तो जब ये चेंज होगा तो हमारा ये भी चेंज होगा। मैं जेड टू ए में कर देता हूँ तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। सेल्स मुझे बढ़ते घटते उसमें चाहिए, इसे आरोही अवरोही क्रम बोलते हैं, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज वाले में। तो देखिए आप यहाँ से कर सकते हैं, गॉट इट। अब आपने बोला मुझे तो एम्प्लॉय कोड जैसे मेरे थे उसी सीक्वेंस में चाहिए, तो चलिए मैं यहाँ पर ए टू जेड कर देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 आ गए। नाउ मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पे फिल्टर लगाना है भाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक और चीज ऐड कर ली, मैंने जोन ऐड कर लिया यहाँ पे आपको समझाने के लिए। एक्सेल की खास बात यही है, एक बार आप लेटर टाइप कीजिए अपने आप आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले आप चलिए यहाँ पे शॉर्टेड फिल्टर में देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, फिल्टर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिल्टर, फिल्टर का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात आती है यहाँ पे, तो फिल्टर का मतलब होता है छानना। फिल्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, छानना। तो फिल्टर आप कर सकते हैं, चाहे वो डेट वाला डेटा हो, टेक्स्ट का हो, कोई न्यूमेरिक डेटा हो। तो चलिए आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना चाहते हैं। सबसे पहले आपने बोला भाई मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट वाला जो डेटा है वो चाहिए, तो आप जाइए यहाँ पे जोन में, आप यहाँ पे चलिए और यहाँ पे ईस्ट दिखाई दे रहा है और ओके करिए। तो देखिए ईस्ट वाला डेटा आपका यहाँ पर छन कर आ गया। अब आपने बोला कि भाई ईस्ट में जिसकी सेल, ईस्ट में जिसकी सेल 30,000 रुपये से ज़्यादा है वो आ जाए। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं यहाँ से भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जब डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज मात्रा में होगा। तो आपको क्या करना है, नंबर फिल्टर में आना है, और ये मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आपने क्या बोला कि ग्रेटर देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन, ठीक है। तो 31,000 से ज़्यादा आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए और ओके कर दीजिए। लीजिए दो बंदे ऐसे हैं, इनको हमें अवार्ड देना है। अब मुझे हटाना है फिल्टर, तो आप जाइए वापस यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर लिए, ओके कर दीजिए, गॉट इट। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिल्टर का क्राइटेरिया भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से शॉर्ट एंड फिल्टर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। नाउ इसके बाद मैं फिल्टर हटा देता हूँ यहाँ पे, चलिए। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑटो सम, ये मैं फॉर्मूले में समझाऊंगा, फिर समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा, अब मैं चाहता हूँ भाई मुझे 1000 तक लिखना है, 5000 लिखना है, 50,000 लिखना है। तो आप फील पे जाइए, इसके बाद यहाँ पर आना है आपको कहाँ पे, सीरीज में। जैसे आप सीरीज में आएंगे देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, रॉ या कॉलम, ठीक है। चलो मैंने रॉ वाइज किया, कह रहा है स्टेप वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा 1000, तो ओके कर दीजिए। तो देखिए 1 से लेके और 1000 तक यहाँ पर आ गया। मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट अरो दबाया था ताकि वहाँ पे मैं डायरेक्ट पहुँच सकूँ, राइट। अब यही चीज मुझे दूसरे तरीके से चाहिए, फिल में गया मैं, सीरीज में जाइए, बहुत अमेजिंग चीज है, आपका टाइम बचाएगी बहुत ज्यादा। सबसे चीज कॉलम वाइज मैंने लिखा यहाँ पे 500, तो ओके करिए, यहाँ पे 500 आएगा, ठीक है। तो उसके गैप में अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है, या 5 लिखा हुआ है, तो उसी के उसके सेम क्राइटेरिया में आपको यहाँ पर सीरीज तैयार करनी है कॉलम वाइज। तो स्टेप वैल्यू क्या है आपकी, 5, कहाँ तक ले जाना है भाई आपको, मान लीजिए 100। तो देखिए ये आपको बताएगा 5, 10, 15, 20। तो इस तरह से आप कोई भी टेबल यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ तक का जो हमारा बेसिक एक्सेल का जो क्राइटेरिया था वो हमारे समझ में आ गया भाई। हमने होम रिबन टैब का मोस्टली ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर फाइल को सेव करना, ओपन करना। तो देखिए यहाँ पर आप फाइल बटन में जाएंगे, यहाँ पे सेव का बटन दिख रहा है आपको, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्राउज में जाएंगे जहाँ पर जिस प्लेस पे आप इसको सेव करना चाहते हैं फाइल को, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं
डेस्कटॉप पे सेव करूं तो मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे डाल के और मैं यहाँ पे मैं इस तरह से यहाँ पे इस नाम से मैंने क्या कर दी सेव कर दी। तो देखिए फाइल के ऊपर मेरा यहाँ पे लिखा आ जाएगा गॉट इट। नाउ फाइल मुझे कोई नई ओपन करनी है ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन करूंगा मतलब इसी फाइल के साथ साथ मुझे बिना भाग जाए मुझे फाइल ओपन करनी है तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। मुझे नई फाइल चाहिए तो मैं यहाँ से न्यू में जाके मैं यहाँ से फाइल ले सकता हूँ कोई भी गॉट इट। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे फाइल आ जाएगी नहीं राइट, मेरे पास एक्सेल की अब दो फाइलें अवेलेबल हैं, मैं वापस उसी पे आ जाता हूँ। इसके बाद फाइल में जाऊंगा, देखिए यहाँ पे प्रिंट करना है मुझे, तो मुझे जो भी शीट प्रिंट करनी है मैं यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे दिखाएगा राइट। तो ये चीज इस तरह से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे क्लोज करना है तो मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ गॉट इट। नाउ मुझे सेव एज करना है ठीक है, या यही फाइल है तो आप F12 एक शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं ठीक है। तो मुझे जहां पे भी सेव करना है इस फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो ये वाला क्राइटेरिया था यहाँ तक हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ तक बेसिक चीजें सीखी राइट। तो इसी तरह से अब मैं नेक्स्ट क्लास जो आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो फॉर्मूला की रहेगी। फॉर्मूला मैं कवर करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर्मूला, पूरा सेशन हमारा फॉर्मूले का होने वाला है नेक्स्ट वाला। मे भी शायद कल या परसों मैं डिफाइन कर दूंगा, बता दूंगा उसमें आपके ऑनलाइन कब आपको आना है ठीक है। तो अच्छे से मेहनत के साथ आप अभी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये फर्स्ट क्लास आपको समझ में आई बेसिक चीज ठीक है। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।